नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्कंडेय सिंह, आप देख रहे हैं टेज कुशीनगर। दोस्तों, आज का टॉपिक वीडियो है PNR नंबर से टिकट डाउनलोड करना सीखेंगे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, सर PDF में कैसे डाउनलोड करेंगे टिकट, और भी PNR नंबर से दोस्तों कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों हाँ, हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए दोस्तों कि इस पर PDF में कैसे डाउनलोड किया जाता है टिकट। तो दोस्तों, मेरे पास एक PNR नंबर है दोस्तों, मैं उसका टिकट डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कैसे डाउनलोड किया जाता है। चलिए चलता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं दोस्तों इस प्रकार से। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहां पे सर्च बार दिखाई दे रहा है, यहां पर देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है PNR नंबर टिकट डाउनलोड। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए एक बार टाइप किया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ आपको टाइप करना है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, PNR नंबर टिकट डाउनलोड। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इतना लिख के आप जैसे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि मेरे मोबाइल में हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले वाला वेबसाइट आपके सामने शो करेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इंटर PNR नंबर, वेलकम टू इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले नंबर वाले पे क्लिक करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, बिल्कुल इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आता है एक ऑप्शन, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन आता है इंटर PNR नंबर। तो आपको PNR नंबर इस बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं PNR नंबर टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने PNR नंबर कॉपी किया हुआ हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा आएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी 656 माइनस 60, सर 656 में से माइनस करना है, 60 को माइनस करना है, आपके पास कितना बचेगा उसको इस बॉक्स में फिल करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ दोस्तों, 656 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचता है दोस्तों, यानी हमारे पास कितना बचता है, 596 बचता है दोस्तों, सॉरी मैंने भी गलती कर देता हूँ कभी कभी यार दोस्तों। चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद टाइप कर लेता हूँ। चलिए हमने कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेता हूँ 596, बिल्कुल सही चीज़ आपको टाइप करना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका टिकट आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर टिकट हमारा शो कर रहा है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इसका डाउनलोड करना है दोस्तों PDF में। PDF में डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर आप क्रोम ब्राउज़र में हैं तो यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई देगा। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर का,
तो आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा बिल्कुल इस प्रकार से। और यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास अगर प्रिंटर दिखाई देगा तो प्रिंटर पे क्लिक करना, नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है। चलिए मैं मोर पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मोर पे हमने क्लिक किया, दोस्तों हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शन आ जाएंगे बिल्कुल इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रिंटर कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा प्रिंटर है। दोस्तों इससे ये मतलब नहीं है कि आपके पास प्रिंटर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको डाउनलोड करना है बस, प्रिंट तो नहीं करना है, हमको डाउनलोड करना है। इसलिए हम प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंट दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से। देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग प्रीव्यू यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों, कैसे क्या करना है, टिकट को कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टिकट आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे हमारा टिकट आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हमको सेव करना है अपने फाइल मैनेजर में। सेव करने के लिए यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों बिल्कुल मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये सब फास्ट होता है दोस्तों, किसी किसी मोबाइल की वजह से फास्ट स्लो होता है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका नेम देगा, यहाँ पर सेव करने के लिए देगा, यानी एक डाउनलोड फोल्डर में सेव होगा दोस्तों। चलिए मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों ये सेव हो चुका है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फाइल मैनेजर में जाके हमारा टिकट डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए हम बीच वाले से कट किए दोस्तों और चलते हैं अपने फाइल मैनेजर की तरफ। तो दोस्तों हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पे है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपना देख लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए मैंने अभी अभी जो टिकट को डाउनलोड किया है यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों मेरा टिकट पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से देख लीजिए। इस तरह से हम अपना टिकट देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैं आशा करूँगा कि आप लोगों ने ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।